सॉर्टिंग, डेटा सॉर्टिंग आज का हमारा टॉपिक है। डेटा सॉर्टिंग जिसमें हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है। और हमारे साथ मयूरी जी हैं मेरे जूम ऐप की लाइव क्लासेस पे। मयूरी जी चलिए स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग। देखिए सॉर्टिंग थोड़ा सा जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप मैनुअल वर्क करते हैं, जब आपके पास स्किल्स कम होता है, वहां पे सॉर्टिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें डेटा सॉर्टिंग में, मेरे मोबाइल ऐप जो बना है उस पे चैट पे एक हमारे कोर्स परचेजर है, उन्होंने कोर्स परचेज किया था, ये यहाँ कोर्स परचेज किया था मेरा, तो यहाँ इन्होंने एक डेटा भेजा है अपने। अब इस डेटा पे वो इनका क्या कहना है बताते हैं आपको। तो बेसिकली छोटा सा डेटा उनका है जो उन्होंने मुझे भेजा है, ये आपके सामने दिख रहा है। तो इनमें नेम है और ग्रेजुएशन लिस्ट है, जनरल है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रहा है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उन्होंने सही तरीके से अरेंज नहीं किया है। हम इसको यहाँ पे जी सर। और इसमें थोड़ा मर्ज कर देते हैं, रैप तो है ही। तो इनके पास नेम है, एग्री है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब उनका कहना है कि इनको डेटा शॉर्ट करना है जो करेंट की ज्वाइनिंग है और उसके अंदर में उनके जो एजेज हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जी सर। ज्वाइन किया है जिसका उम्र सबसे ज्यादा है, बात समझ रहे हैं, जी सर। वो टॉप पे चाहते हैं। तो जी अगर सर। मैन्युअली करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, बट यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपना शॉर्टिंग। तो हम एक बार डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आते हैं। कस्टम शॉर्ट में हमें लेटेस्ट चाहिए, तो हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ले लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। फिर इसके नीचे हम शॉर्ट कर रहे हैं किसको, डेट ऑफ बर्थ को। अब ये क्या है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ठीक है ना। इसको मैं न्यूएस्ट ओल्डेस्ट कर देता हूं, माने कि सबसे ज्यादा सबसे करेंट की ज्वाइनिंग है, तो न्यूएस्ट ओल्डेस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, लेकिन सबसे एजियड आना चाहिए किसमें, डेट ऑफ बर्थ में। इसको सिलेक्ट किया, देन ओके करता। यहां देखिए 2013 की ज्वाइनिंग है, बट ये सबसे एजियड है, 88 के डेट ऑफ बर्थ है, दिख रहा है आपको, समझ में आया कि नहीं आपको। जी सर। समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा हम इसको जी करके सर। दिखाते हैं एक अलग तरीके से। नेम, यहाँ पे हम कुछ नेम डाल देते हैं और यहाँ पे हम डेट डालते हैं, डेट में हम यहाँ पे डाल देते हैं, एक एक जनवरी का डेट डाल देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग करते हैं DOJ और आता है, एक में होल्ड कीजिए। डेट ऑफ बर्थ में मैं यहां पे डेट बना देता हूं, अच्छा डेटा, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे 10/7/1987 का, इसमें अब मुझे चाहिए सबसे करेंट ज्वाइनिंग,
लेकिन सबसे ओल्ड एज, तो मैंने यहां पे गए कस्टम सॉर्ट में, यहां हमने ले लिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट और डेट ऑफ बर्थ ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट एंड ओके करता हूं। एक मिनट, गलती हो गई क्योंकि ये मेरा फॉर्मूले था, इस कारण से आरएफ आ गया, फॉर्मूला रिमूव कर देता हूं। शॉर्ट ये आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट और डेट ऑफ बर्थ जो होगा ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट होगा। अब देखिए 21 जनवरी इसकी सबसे लेटेस्ट डेट जो है हमारा 21 जनवरी 2020 की ज्वाइनिंग है। उसमें यहां देखिए 15 तारीख 16 7 8 6 महीना चेंज हो रहा है, तीसरा महीना है तो 16 तारीख जो है सबसे ज्यादा एजेड है उसका आ गया, ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट आया। जी सर। समझ गए? जी सर। मंथ है मतलब कि जो थ्री दिख रहा है मंथ है, ये डेट जो है बीच में है, 15 तारीख आ गया, 16 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, तो इस तरह से हाईलाइटेड हो इसका तो इस तरह की चीजें करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सॉर्टिंग का। तो चलिए सॉर्टिंग में हमें अपना एक डेटा उठाता हूं। तो डेटा को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले चीज को जान लीजिए कि आपके पास डेटा क्या है। डेटा में कहीं ब्लैंक तो नहीं है, अगर कहीं ब्लैंक है तो फिर डेटा को सिलेक्ट करके शॉर्टिंग करना होगा। ब्लैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे अगर एक कॉलम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो इसको सिलेक्ट करूंगा और यहीं पे हम कल शॉर्ट ए टू जेड कर देंगे। लेकिन मुझे शॉर्ट करना है नेम और सिटी दोनों होना चाहिए, देन हम यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने नेम ले लिया, ऐड किया, मैंने यहाँ पे सिटी को ऐड कर लिया और ओके कर दिया। तो जो नेम है उसके अंदर जो सिटी है, सिटी इकट्ठा हो गया। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आप कर सकते हैं। बट इसमें अगर मान लीजिए मेरे पास मंथ है, मैं शॉर्ट करना चाहता हूं मंथ के हिसाब से, तो कस्टम शॉर्ट में हम आते हैं, यहां पे सिलेक्ट करते हैं मंथ एंड अगर मैंने यहाँ पे ए टू जेड ले लिया तो क्या होगा, अप्रैल पहले आएगा। बट मुझे क्या करना है कि अप्रैल पहले ना, मुझे करना है कि पहले जनवरी आए, कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चले। तो मैं यहाँ कस्टम सॉर्ट पे आऊंगा, मंथ को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ कस्टम लिस्ट पे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ जैन फेब मार्च एंड ओके, राइट? क्लियर है विदाउट इसमें? जी सर। उसके बाद मान लीजिए कि कलर बाय सॉर्ट बाय कलर है, अगर कोई पर्टिकुलर कलर है उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, कलर वाला टॉप पे आना चाहिए, देन आप यहां कर सकते हैं कस्टम सॉर्ट और यहां पे हम दे सकते हैं क्वांटिटी और क्वांटिटी में सेल कलर और यहां से हम अपना कलर को चूज करेंगे देन ओके। आ गया कलर सर? जी सर। तो इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं कस्टम शॉर्ट में, अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आइकन लगा रखी है तो यहां से हम आइकन के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट कर सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया एमआरपी और यहां से हमने एमआरपी के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन बी सिलेक्ट द आइकन देन ओके आइकन आ गया। इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है? अब इसी में मान लीजिए कि आपके पास जैन है कैप्स में लिखा हुआ है, तो आपका चाहते हैं कि जब शॉर्ट हो तो कैप स्मॉल सेपरेट हो जाए, मतलब कि इकट्ठा कैप्स वाले सारे इकट्ठा हो जाए और स्मॉल वाला सारा एक जगह इकट्ठा हो जाए, दोनों मिक्सअप ना हो, तो उसके लिए शॉर्ट करते समय आप यहाँ के सेंसिटिव को जरूर सिलेक्ट करेंगे। समझ गए?
जी सर। केस सेंसिटिव से क्या होगा कि जो इकट्ठा होगा ना, कैप्स वाले एक जगह पे आ जाएंगे, स्मॉल वाले एक जगह पे आ जाएंगे, दोनों अलग अलग नहीं रहेगा, फिर अलग अलग रहेगा। तो अभी क्या किया, टॉप टू बॉटम। अगर मुझे सॉर्ट करना है लेफ्ट टू राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे मंथ देता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्स देता हूँ, और ये हमारा जैन फाइव मार्च इस तरह से चल रहा है। मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो यहां हमें कस्टम शॉर्ट पे हम आते हैं और ऑप्शंस पे मैं यहां शॉर्ट सेलेक्ट कर लेता हूं लेफ्ट टू राइट, और यहां पे रो ये आपका शॉर्ट हो जाता है। हो गया शॉर्ट जी सर। ये हमारा बेसिक सॉर्टिंग का पार्ट है, बेसिक सॉर्टिंग। अब टॉपिक आती है एडवांस सॉर्टिंग।